नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम थर्मोकपल और मल्टी स्पेन के टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में हम कनेक्शन की वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कनेक्शन कैसे करते हैं और इससे कंट्रोल किए हैं एक कूलिंग टावर के मोटर को। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास ये मल्टी स्पेन की एक UTC 421P टाइप का हमारे पास मल्टी स्पेन का टेम्परेचर कंट्रोलर है दोस्तों। और इसकी कनेक्शन हम ये वायर के थ्रू देख सकते हैं आप, 3RYB जो वायर है वो हमारा थर्मोकपल का जो कि वायर आया हुआ है उसके कनेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बताए हैं। इससे हम कंट्रोल किए हैं, ये हमारा स्टार्टर है, ये देखिए दोस्तों टेम्परेचर कंट्रोलर इसको किए हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों, ये देख सकते हैं हम आपको दिखा रहे हैं कूलिंग टावर के लिए, ये हमारा कूलिंग टावर टैंक है दोस्तों। दोस्तों, ये देखिए टैंक है, नीचे हम थर्मोकपल पी टाइप सेंसर लगा है, ये आप देख सकते हैं। और इसकी कनेक्शन हम साइड में लगा दिए हैं, आप देखिए इसके कनेक्शन हम ऐसे ऐसे किए हैं। ये 3 वायर है, इसमें आर को आर से, वाइट को दोनों को ब्लू और येलो के थ्रू कनेक्ट कर दिए हैं, जिसको हम वायर के रूटीन के हिसाब से हम इसको हम वहाँ पर पैनल के पास लेके गए हैं। दोस्तों, अब वहाँ का कनेक्शन हम आपको बताते हैं। ये हमारा थर्मोकपल का वायर, ये वाला हमारा वहाँ से थर्मोकपल से आया है कनेक्ट होके, ये 3 वायर ये देख सकते हैं दोस्तों। हम आपको बताते हैं आज की वीडियो में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर ये हमारा आरटीसी सेंसर के लिए वायर कनेक्ट होंगे। इसमें ये देख सकते हैं 8 नंबर आर के लिए है, इसमें ये देख सकते हैं इसमें 10 पिन है टोटल, इधर पाँच है, ये 3 आपका, ये देखिए 6 7 8 ये आपका सेंसर के लिए लगा हुआ टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर के लिए है जो कि वहाँ थर्मोकपल इसमें कनेक्ट होंगे। दोस्तों, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है आर रेड वाला वायर को, हम आर वाले को 8 नंबर से कनेक्ट किए हैं, 6 नंबर से ब्लू को और येलो को 7 नंबर से। टीसी है ये एक टेम्परेचर के लिए है और एक कूलिंग के लिए है, ठंडा के लिए और एक हॉट के लिए मतलब गर्म के लिए, टेम्परेचर के लिए है। दोस्तों, और ये देखिए एल ओ एन, इसमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट हुए हैं जो कि इसमें 220 वोल्ट, अब ये इसमें 220 वोल्ट है और एक वायर को हम कंट्रोलिंग के लिए लिए हैं। दोस्तों, यहाँ से देखिए हम इसके स्टार्टर, ये हमारा स्टार्टर है उस मोटर का, ऊपर कूलिंग मोटर का स्टार्टर है। यहाँ से देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसकी हमारे A2 के लिए इसके कॉन्टेक्टर को एक वायर यहाँ पे कनेक्ट होता है जो कि हम ये देख सकते हैं येलो वाला वायर ये आया है, हम यही इसको एक फेज लिए हैं और न्यूट्रल लिए हैं। ये देखिए ब्लू वाला न्यूट्रल है हमारा, एन न्यूट्रल ब्लू वाला, और रेड आपका फेज है, इसमें देख सकते हैं फेज है। और ये हमारा आउट के लिए हम कंट्रोलिंग के लिए एक वायर यहाँ से कंट्रोल होके जो वायर आता है हम A2 पे इसके कनेक्ट किए हैं। दोस्तों, ये कनेक्ट कर चुके हैं, पीला वाला वायर देख सकते हैं कि इसके कंट्रोल होने के बाद ये हमारा इसमें आके कनेक्ट होता है। लाइन फेस न्यूट्रल दे दिए, उसके बाद हम लूप लेके रेड वाले से सी, ये देखिए कॉमन 4 नंबर को हम कॉमन कर दिए, और वहाँ से हम एनसी पे पीला वाला कनेक्ट किए हैं जो कि हमारा ये पीला वाला इसमें A2 पे कनेक्ट है जो कि हमारा ये टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर फ़िलहाल अभी 34 कर रखे हैं, 34 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा पानी का टेम्परेचर होता है कूलिंग टावर के पानी का तो ये मोटर ऊपर वाला कूलिंग का ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जस्ट लाइक हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखाते हैं, ये कम करके दिखाते बढ़ा के, उसके बाद फिर वापस से कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेट पे क्लिक किए, इसको कम करते हैं, अभी 32 डिग्री है ना, तो 32 करते हैं तो चालू हो जाएगा, 31 है, हम इसको 31 कर दिए। ये देखिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, उधर मोटर आवाज़ आने लगी, ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो चुकी है हमारी, यहाँ से सप्लाई मोटर में जा रही है, आवाज़ आ रही है, सुन सकते हैं, मोटर स्टार्ट हो गया। अगर 31 डिग्री सेल्सियस है मतलब इसको हम कम करके आपको दिखाएं, फिलहाल हम इसको सेट करके 34 कर कर रखें, ये 34 डिग्री सेल्सियस अगर हमारा पानी का हो लाइन का तो चालू कर दें। ये देख सकते हैं अगर हमारा 30 डिग्री हो रहा है, धीरे धीरे ठंडी के मौसम है ना दोस्तों, तो ठंडी की वजह से ये
हमारा कम हो रहा है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।